Hello, welcome to Canvas of Normal. We are going to discuss about summary of origin of life. We already discussed about it. Here is the sum. Okay. So how from three atoms to molecules form organic, simple or organic complex? Yes, we have to discuss the last one. Okay. इसके बाद का जो पॉइंट है आपका ये भी पॉइंट नहीं पॉइंट एक्सप्लेन किया था तो वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ फर्स्ट लाइफ रेप्लिकेट मेटाबॉलिक एक्सप्रेस ये हमें आज में आइडिया नहीं कैसा रेप्लिकेशन हुआ पर इतना ही जरूर है कि सबसे पहले नॉन लिविंग से लिविंग बन गया था ये सब अभी कंप्लीट हो गया है पता है ठीक है तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को यहाँ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक तो सबसे पहला जो नॉन सेलुलर तो यहाँ बहुत कम से नॉन सेलुलर फॉर्म जो धरती पे आया था वो आया था 3 बिलियन ईयर्स बैक तो 3 बिलियन ईयर्स के पहले आ गए ठीक है दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल तो वो कैसे हो सकते थे पहला जो लाइफ था वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में था जायंट मॉलिक्यूल जायंट का मतलब लार्ज मतलब मोटे मॉलिक्यूल्स होते लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे आरए प्रोटीन पॉलीसेकेराइड तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो कि धरती के ऊपर डीएनए से भी पहले कौन आया तो सबसे पहले आरएनए आया आरएनए से रेप्लिकेशन होकर डीएनए बन गया ठीक है तो पहले आरएनए फिर प्रोटीन और फिर पॉलीसेकेराइड लाइक दैट ओके तो दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स पर और फिर इन्होंने अपने रेप्लिकेशन करके अलग अलग बनाना मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर दिया The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. मतलब ये अभी हम बोल सकते हैं कि भाई 2000 मिलियन साल तक तो पहला लाइफ नहीं बना होगा ठीक है सो दिस वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल अगर बना तो फिर बाद में कैसे बना था प्रोबेबली सिंगल सेल ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर इन वाटर एनवायरमेंट उनकी और जितना भी लाइफ था उस वक्त कहाँ पे था पानी के अंदर इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी जिंदगी की जो शुरुआत थी पानी के अंदर ठीक है और वाटर के अंदर ही पहला सिंगल सेलुलर फॉर्म बन गया था और फिर उससे हम उत्पन्न हुए मतलब हमारा रिलेशन पानी के साथ है हमारा जो पहला लाइफ है पानी के अंदर था फिर वो धरती के ऊपर आया पानी पानी से फिर लैंड के ऊपर आया मतलब एम्फीबिया एक्सटेंडेड सब लोगों को पता है ठीक है सो दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस इसको हम क्या बोलते हैं बायोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया कौन सा बायोजेनेसिस बायो मींस लाइफ जेनेसिस मींस फॉर्मेशन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आर स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मैटर मतलब ये ध्यान में रखो कि इवोल्यूशन से ही पहला जो लिविंग हो गया था तो नॉन लिविंग से बने जाते गोष्ट लक्षात घ्या कि पहिला सजीव निर्जीव पासून तयार निर्जीव म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो नॉन लिव्हिंग ओके त्याच्यापासून आणि हे आपण सगळीकडे मानलं पहिले सेल प्रोटोप्लाझम तो हमें पता है इतके भी पहिले आठ मॉलिक्यूल आ गए थे अब नॉन लिव्हिंग इससे फिर लिविंग बन गया मतलब नॉन लिविंग फिर लिविंग बायोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ हाउएवर Once formed, how the first cellular form of life will have evolved into complex biota. मतलब देखो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेलुलर फॉर्म से फिर लाइफ कैसे बन गए कॉम्प्लेक्स मतलब अगर पहले धरती के ऊपर प्रोटोजोआ अमीबा जैसे बन गए थे तो आज जायंट ह्यूमन बीइंग जैसे कि जायंट में हम बोल सकते ना एलिफेंट और मैमल्स मतलब कॉम्प्लेक्स बन गए ये डायवर्सिटी है ना अलग अलग तरह से सिंगल सेलुलर टू मल्टी सेलुलर ये आपको में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो है तो आप देखते हैं अपने प्लांट का भी देखो अलग ही फंजाई टाइप में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हमने देखा था कितने अलग अलग तरह के प्लांट थे सिंगल सेल से लेकर तो सेक्वोया लार्जेस्ट ट्री फ्लावरिंग प्लांट का मतलब अल्गी अगर देखेंगे कुछ अल्गी एक क्लाइमेट में ना सिंगल सेल कुछ प्लांट है मल्टी सेलुलर यहाँ पर भी इवोल्यूशन आपको दिखाई कॉम्प्लेक्स बायोटा टुडे इज फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी डिस्कस ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर भी बन गया हाँ मैजिक इट इज अ स्लो प्रोसेस
म्हणजे हे प्रक्रिया अतिशय हळूहळू चालणार आहे. याला मिलियन्स ऑफ पर्सन समजलं. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इव्हॉल्युशन ऑफ लाईफ फॉर्म. आता हे कसं झालं जीवनाची सुरुवात त्याची स्टेज आहे. ओके तर एनसीईआरटीचा जो अगला आपला पॉईंट आहे इव्हॉल्युशन ऑफ लाईफ फॉर्म. कन्व्हेन्शनल रिलिजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थिअरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. कन्व्हेन्शनल रिलिजियस लिटरेचर म्हणजे ज्याला म्हणते ना आपण पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ रिलिजियस ज्याला आपण म्हणते धार्मिक जो भी हमारे धर्म ग्रंथ लिटरेचर जिसके अंदर ग्रंथ आते हैं ठीक है पोथी पुराण जिसको हम बोलते हैं पोथी है पुराण है ये सब लिटरेचर था. पोथी पुराण धार्मिक ग्रंथ कन्वेंशनल मतलब हम जो स्टोरी सुनते आए हैं जैसे भगवान ने धरती को बनाया इट इज टेल्स अबाउट द थिंग ऑफ स्पेशल क्रिएशन गॉड ने बनाया सिंपल एक लाइन में आंसर खत्म. सो दिस थियरी हैज थ्री कोनोटेशन. वन पहला that all living organisms, species or types that we see today were created as such. मतलब आज हम धरती पर जो भी देख रहे हैं जितने भी अलग अलग टाइप के स्पीसीज देख रहे हैं वो सब भगवान ने बना स्पेशल पावर ने बना. पहला इनोवेशन. सेकंड कौन सा इनोवेशन है that this diversity was always same since creation and will be the same in future. मतलब ये आज जो दिखाई दे रहे हैं वो पहले भी ऐसे ही थे और भविष्य में भी ऐसे रहेंगे क्योंकि भगवान ने बनाया है या सुप्रीम पावर ने बनाया है. ओके सेकंड धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं. और थर्ड तीसरा क्या है धर्म ग्रंथ का कहना अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स. धरती का लाइफ ग्रंथों ने हमें 4000 साल का दिया है. ऑल दीज आइडियाज वेयर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. तो इनको कोई चैलेंज नहीं था 19th सेंचुरी तक. लोग तो आंख बंद करके इसके ऊपर बिलीव करते थे. किसी ने कहा कि भाई धरती पाप के ऊपर है और पाप जब अपनी गर्दन हिलाता है धरती के ऊपर अर्थक्वेक भूकंप आते हैं. आज सैटेलाइट से कोई बच्चा भी बिलीव नहीं करेगा. देखते हैं फोटोग्राफ तो धरती के नीचे भी कुछ नहीं ऊपर भी कुछ नहीं हवा में घूम रहे हैं सारे प्लैनेट. मतलब आज अगर किसी बच्चे को अगर कहा कि नहीं भाई धरती जो है आज जहाँ पे हम रहते हैं इसके नीचे एक बहुत बड़ा सा ऐसा एक सांप है और इसके ऊपर धरती डोल रही है कैन यू बिलीव क्योंकि हमारे ग्रंथों में तो यही लिखा है. आज छोटा बच्चा भी नहीं बिलीव करेगा क्योंकि उसे पता है सैटेलाइट से जब हम गैलेक्सी का फोटो लेते हैं या धरती का फोटो लेते हैं स्पेस से लेते हैं तो नीचे भी कुछ नहीं ऊपर भी चारों तरफ स्पेस ही है. तो इसको कोई चैलेंज नहीं था पर तब तक अभी तक तो 19th सेंचुरी तक लोग बिलीव करते थे. ओके तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जो हमारे रिलीजियस लिटरेचर में लिखे आज हम लोग बिलीव नहीं करते बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द सी वॉयेज सेलशिप कॉल एच एम एस बीकर round world Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to various degrees not only among themselves but also with the life form that existed million years ago. अब देखो यहाँ से हमारी डार्विन की एंट्री एच एम एस बीगल क्या है तो देखो इनकी फोटोग्राफ आपने बहुत बार देखी है जिनको हम बोलते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जिन्होंने हमें इवोल्यूशन से बताया कि हम कैसे युवा होते हैं उनकी जैसे प्राइमेट्स ना अक्सर लोगों ने इनको गलत बताया था. इनका जो सेंचुरी था 189 से 1882 ठीक है तो इनकी जहाज का नाम था उस जहाज का नाम था एच एम एस बीगल. ओके तो इन्होंने इस जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया बीगल द्वारा ठीक है. तो ये इनका एक रूट है मैं अगर आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने समझो यहाँ से अगर स्टार्ट कर दिया देखो ये है एशिया ठीक है ये है अफ्रीका ये है नॉर्थ यूएसए नॉर्थ अमेरिका जिसको हम बोलते हैं ना यूएसए और ये है साउथ अमेरिका यूएसए ठीक है ये है हमारा देश इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया सब लोगों को पसंद. तो ये यहाँ पे है इंग्लैंड
यूरोप के अंदर, ठीक है। तो प्लाइमाउथ यहाँ से जब उन्होंने शुरुआत की थी, इस तरह से आ गए वो, फिर अफ्रीका के एक वर्ल्ड के पास आ गए, फिर यहाँ से वही आ गए, फिर यहाँ से फिर वो मोंटेग्यू इस तरह से डेवलप। और ये इम्पोर्टेंट रियो डी जानेरियो, ये सब याद रखो, इतना याद रखने का काम नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आइलैंड का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर बेट जलाता, इस आइलैंड के ऊपर उन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले। तो ये एविडेंसेस मतलब कुछ पुरावे जला, ऑब्जर्वेशंस क्या हो रहे, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज, कुछ बर्ड्स के अंदर सिमिलर है, कुछ टर्टल्स देखे उन्होंने, जाइंट बड़े बड़े, फिर उन्होंने फिर यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद वापस इस तरह से आ गए सिद्धि जी को धरती, तो बोल रहे हैं ये प्लेन नक्शा है खुद में, तो यहाँ से फिर वापस ऑस्ट्रेलिया से भी ये पप्पा अफ्रीका को चक्कर लगाकर वापस चले गए। और फिर उन्होंने अपनी एक किताब, इस किताब के अंदर उन्होंने इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ स्पीसी बोल, तो ये पॉइंट हम आगे भी और डिटेल में देखेंगे। सिर्फ यहाँ एक पॉइंट था कि डार्विन की एंट्री अब हो गई है, डार्विन ने एचएमएस बीगल जहाज के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 11 पैकेज आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टर देखे। ओके, तो फिर उन्होंने कहा कि देर आर सम सिमिलैरिटीज टू वेरियस डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट आल्सो विद द लाइफ दैट फॉर्म एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स बैक, मतलब आज धरती के ऊपर जो कुछ एनिमल्स है उसके अंदर और मिलियन ईयर्स एनिमल्स के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है, कहीं साथ के पना है यानी कहीं साथ के पना नहीं। और इसके बाद उन्होंने फिर अपना एक कंक्लूजन निकाला, तो मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट मोर, और कुछ उसके अंदर के तो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, मतलब वो डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, दे आर नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, सो देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द There had been extinction of different forms in the years gone by just new forms of life at different periods of history. मतलब कुछ अलग-अलग जो species थे डायनासोर जैसे, they had extinction जिसे आज नहीं है, मतलब पूरे extinct हो गए, आयन के नष्ट हो जाते थे, ठीक है। So there has been gradual evolution of life form. मतलब इसका मतलब क्या है कि धरती के ऊपर जो लाइफ है वो एकदम पहले जैसा आज नहीं है, आज जैसा पहले नहीं था, पर उसके अंदर धीरे 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 कुछ चेंजेस होते गए और इवोल्यूशन होते गए। सो एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टर, तो कोई भी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हाँ ज्यादा लोग संख्या मिल जाता, सो दैट हैज बीन बिल्ट इन वेरिएशन, त्याच्यामध्ये बरेच काही व्हेरिएशन दिसतात। व्हेरिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, स्लाइट डिफरेंस, ज्याला आपण मराठी फरक म्हणतो ना, स्लाइट डिफरेंस है। ओके, सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, और जो कैरेक्टर्स है जो सर्वाइव करने के लिए अच्छे हैं, जो बेटर है, दैट फूड ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू अदर, अगले पीढ़ियों में चलेगी। तो कौन कौन से कैरेक्टर जो है जो सर्वाइव करने के लिए काम के थे, जैसे कि क्लाइमेट के अंदर फूड खाने के लिए जो भी फिजिकल फैक्टर्स है। ओके, सो दिस आउटब्रिड अदर्स दैट आर लेस एंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, मतलब जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिन्होंने अडॉप्ट किया, वो कैरेक्टर्स ब्रीडिंग के जरिए वो उन्होंने अगली जनरेशन में ट्रांसफर, म्हणजे जगाय साठी जे महत्वाचे गुणधर्म असतात ते एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत तेच मेंटेन झाले। ओके, सो अनादर वैल्यू इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉप्युलेशन, त्याला एक डार्विनने फिटनेस असं म्हटलं, सर्वायव म्हणजे आपण मराठीत त्याला म्हणतो ना बडी तो खाणपिन, सर्वायव ऑफ द फिटेस्ट, जगण्यास समर्थ आहे तो जगतो, फिट जे आहे ते एक्स्टिंक्ट होते आणि काही लोक त्याला अडॉप्ट करतात, ठीक आहे। ये फिटनेस हो गया इंडिविजुअल का,
ECB population. So the fitness, according to Darwin, refers ultimately and only to reproductive fitness. तो यहाँ डार्विन और एक मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस. देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. अब इसका मतलब क्या है कि जो स्पीसीज जीने के लिए फिट है वो रिप्रोडक्शन करेंगे और वो रिप्रोडक्शन से इनके बच्चे अगली जनरेशन में पास हो. ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे कई सारे डॉगिंग है और इस डॉगिंग ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया, तो इसमें से जो भी फिट है वो बड़े हो जाएंगे, वापस वो क्या करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे. जो यहाँ के वीक है वो मर जाते हैं. आपने भी देखा होगा एक बीच को पांच छह बच्चे होते हैं, उसमें से सबके सब जीते नहीं है, तीन चार मर जाते हैं और एक दो बड़े हो जाते हैं और फिर वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं. सो हिंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लिव मोर प्रोजेनी देन अदर्स. इसका मतलब क्या है? दोज हु आर बेटर फिट, जो जीने के लायक है इस एनवायरमेंट में, चाहे वो कितने भी ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ हो, पर उसके अंदर भी जो जीता है वो क्या करता है, अपनी जो जनरेशन है प्रोजेनी बनाते रहता है, मोर प्रोजेनी बच्चे को पैदा करते रहता. सो दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर. तो जो सर्वाइवल फिट है उसे को नेचर सिलेक्ट करता है. तो यहाँ एक पॉइंट आता है आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हम अगली बार ये डार्विन की थ्योरी और डिटेल में देखेंगे. ठीक है, और वो कौन सिलेक्ट कर रहा है? बाय नेचर. इसको नेचर सिलेक्ट कर, म्हणजे निसर्ग ठरवतो तो कौन जगणार कौन मरणार. आपल्या लोक त्याला लक म्हणते, भाग्य म्हणते, असं काहीतरी म्हणते. ठीक है, सो ही कॉल्ड इट अ नॅचरल सिलेक्शन. डार्विन ने इसी फिनोमेनन को क्या कहा था? नेचुरल सिलेक्शन. मतलब देखो किसी घर में अगर तीन चार बच्चे पैदा हो गए उसमें दो मर गया तो जिंदा रहे, नेचर ने इसको सिलेक्ट किया है. ओके, डॉगी का भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसमें से सबके सब जीते नहीं, मर भी जाते हैं, बिग होते हैं वो इस कॉम्पिटिशन से बाहर चले जाते हैं. इसी को हम बोलते हैं कि वो धीरे धीरे आगे अगले पीढ़ी में अपने कैरेक्टर का. सो लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वैलेस, देखो यहाँ पे और एक सेंटेंस आ गया, अल्फ्रेड वैलेस द नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मलाय आर्किपेलागो हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजंस अराउंड द सेम टाइम. मतलब डार्विन के वक्त और एक साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वैलेस. उन्होंने भी सिमिलर कंक्लूजन डार्विन के जैसा ही कंक्लूजन निकाला. दोनों के विचार एक ही थे, दोनों की थ्योरी एक ही बन गई. ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी तकरीबन सेम थे. सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर आर रिकॉग्नाइज्ड. तो टाइम जैसे जैसे चला गया अलग 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 नए तरह के स्पीसीज प्रजातियां वो ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया, रिकॉग्नाइजेबल. एंड ऑल दी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर. तो इससे क्या होता है कि कॉमन एंसेस्टर हम उनसे एग्जिस्ट करते हैं. जे जगले त्यांच्यामध्ये काही सारखेपणा असतो आणि त्यांचा एनसेस्टर सुद्धा एकच असतो, म्हणजे पूर्वज. एनसेस्टर म्हणजे काय? पूर्वज. ठीक आहे, हाउएव्हर दीज एनसेस्टर्स वेअर प्रेझेंट ऍट डिफरंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ, पण हे त्यांचा जे पूर्वज असते ते एकाच वेळेस वेगवेगळ्या पिरियड मध्ये पण असतो. इपॉक त्याला आपण म्हणतो, पिरियड सुद्धा काही पिरियड आहे, इपॉक पिरियड्स आहे येणार. आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू नेक्स्ट टाइम. ओके, सो जिओलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ. मतलब जहां आपने बायोलॉजी स्टडी करना है, इवोल्यूशन बायोलॉजिकल हिस्ट्री देखना है, तभी हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है. मतलब धरती के कैसे अलग अलग पीरियड थे, जैसे जुरासिक पार्क में उस पीरियड में सबके सब डायनासोर थे, उसके पहले सारे एम्फीबियन ही थे, उसके पहले पानी के अंदर सारे एक्वेटिक ही थे. तो इस तरह से धरती के भी कुछ अलग अलग पीरियड्स थे जिसको हम इपॉक पीरियड एरा बोलते हैं ना, तो हम बाद में और देखेंगे. सो कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी कोल्ड. इसका मतलब क्या है? धरती बहुत नॉट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ इयर्स. मतलब जो धर्म ग्रंथों ने हजार वर्ष किए हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बट इट इज
टू मच ओल्ड, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, धरती की आज लाइफ कितनी है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, तो यहां हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और अगली बार हम डार्विन की थ्योरी और डिटेल में देखते हैं।